केंद्रीय आरोग्य अने परिवार कल्याण विभाग राज्य कक्षाना मंत्री डॉक्टर भारती पवार तेमज गुजरात विधानसभाना नायब दंडक विजय पटेलनी अध्यक्षतामां सापुतारामां नवनिर्मित प्राथमिक आरोग्य केन्द्र तथा नवीन एम्ब्युलन्सनुं लोकार्पण करवामां आव्युं हतुं। सापुतारा खाते रूपिया 1 करोड़ खर्चे नवनिर्मित प्राथमिक आरोग्य केन्द्रमां माइनर ऑपरेशन थिएटर, प्री ऑपरेशन रूम, लेबर रूम विथ बेबी रूम, इनडोर दर्दियों माटे कुल 12 बेड सुविधायुक्त स्त्री पुरुष वॉर्ड विथ टॉयलेट बाथरूम, अद्यतन लेबोरेटरी, ड्रेसिंग अने इंजेक्शन रूम, डिस्पेन्सरी, केस रजिस्टर रूम, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर आयुष रूम, ऑफिस अने मेडिकल स्टोर, नर्सिंग स्टेशन वगैरह तमाम 1 यूनिट धरावता आधुनिक सुविधाओं उपलब्ध करावामां आवी छे, जेना कारणे सापुताराना स्थानिको तेमज अहीं आवता प्रवासीओने सारी आरोग्यप्रद सेवाओं मळी रहेशे। सापुतारा प्राथमिक आरोग्य केंद्र हमारा आयुष्मान भारत का आरोग्य मंदिर का लोकार्पण और उसके साथ ही आदरणीय सांसद जी ने जो यहाँ पे एम्बुलेंस दिया है वो लोकार्पण भी हुआ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने हमेशा से ही आरोग्य सेवा और जिस सेवा में गांव-गांव के लोगों तक ये प्राथमिक सुविधा पहुंचने के लिए ऐसे आरोग्य मंदिर निर्माण हो और आज भारत भर में 1,64,000 से ज़्यादा हमारे आरोग्य मंदिर खड़े हुए हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने का सौभाग्य मिला कि सापुतारा प्राथमिक आरोग्य केंद्र की 1,21,00,000 की बजट देके ये बहुत अच्छी सुविधा वाली बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स है, हमारी टीम ने एक जो हमने रिव्यू किया तो उसमें देखा कि पेशेंट के लिए आने के लिए बैठने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, लैब की सुविधा है, बेड की सुविधा है, माइनर ओटी भी है, लेबर रूम भी है। तो मुझे लगता है जो बेसिक नीड है वो इस आरोग्य मंदिर के माध्यम से खड़ी हो गई है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को, आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को, राज्य के हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय ऋषिकेश भाई जी को